केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर फाइव। आज के लेक्चर में हम बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ेंगे हेलोजेंस के और ऑक्सीजन के। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस एंड ऑक्सीजेंस, जिसके अंदर एक हमारे पास हेलोजन होगा और एक हमारे पास ऑक्सीजन होगा, और इनके हम आपस में कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड्स पढ़े थे, जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था और हैलाइड्स आपके पास नेगेटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे। ठीक है, हमने देखा था कि ये कैसे आपके पास एज रिड्यूसिंग एजेंट्स काम करते हैं। ठीक है, और साथ में हमने इनकी मुख्तलिफ प्रिपरेशन वगैरह डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में अब चूंकि हम हेलोजेंस और ऑक्सीजेंस के कंपाउंड देख रहे हैं, तो इसके भी उसी तरीके से दो नाम आप मेरे जहन में तो आए थे। अब आप पता नहीं क्या सोच रहे हो, क्या हम इसको हेलोजन ऑक्साइड कहेंगे या हम इसको ऑक्सीजन हैलाइड कहेंगे, आपके ख्याल में क्या कहना चाहिए? ये जो ऑक्साइड है ना, यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव पोलैरिटी के साथ है और हेलोजन पॉजिटिव के साथ, और हैलाइड यहां पे ये शो कर रहा है कि हेलोजन यहां पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन यहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। अब हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्चुअली किस पे होगा। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो है 3.5। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मतलब ऑल द हैलोजेंस। हैलोजेंस की आपके पास क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, हैलोजेंस की आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज हैं वो आपके पास फ्लोरीन के लिए है 4। ठीक है, उससे नीचे आपके पास क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसके लिए आपकी वैल्यूज हैं 3 एंड देन 2.8 एंड देन 2.5। अब चूंकि ये जो बाकी तीनों हैं ये वैल्यूज आपकी 3.5 से कम है, इसका मतलब है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इन तीन केसेस में आप कहोगे कि फॉर एग्जांपल आप क्लोरीन के ऑक्साइड की बात कर रहे हो तो आप क्लोरीन ऑक्साइड बोलोगे, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सॉरी लोन पेयर कह रहा हूँ, जो दरमियान में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। ठीक है, अच्छा अब हम डिस्कस कर लेते हैं मुख्तलिफ, हम कैटेगरी वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्साइड्स डिस्कस करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। सबसे पहले तो ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन हैं कौन कौन से आपके पास। फ्लोरीन जो है वो बहुत से ऑक्साइड्स शो करता है, जिनमें से जो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं वो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ट्राईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। ठीक है, एक दफा फिर देखो, इसको मैंने नाम दिया था ऑक्सीजन क्योंकि इसमें सिंगल ऑक्सीजन या मोनो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड दो फ्लोराइड का इंस है। ठीक है, इसको मैंने कहा डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, और इसको मैंने कहा ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बिकॉज इसमें तीन ऑक्सीजन और दो फ्लोरीन एटम्स हैं। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आप इसमें ये देखो कि आपका जो फ्लोरीन का चार्ज है वो यहाँ पे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। फ्लोरीन का जो यहाँ पे चार्ज है ना, यहाँ आपके पास नेगेटिव होगा बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और ऑक्सीजन की 3.5 है। तो अगर दोनों का आपस में कंपैरिजन करो तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो बेसिकली आप यूं कहोगे कि आपका जो एक ऑक्सीजन एटम है ना, यहाँ पे प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और जो एक फ्लोरीन है वो माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, और इस वाले के अंदर आपके पास ये डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के अंदर ऑक्सीजन आपके पास प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और फ्लोरीन भी आपके पास माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और ट्राईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के अंदर आपके पास जो ऑक्सीजन है ये प्लस 2/3 शो कर रहा है और ये जो फ्लोरीन है ये आपके पास माइनस 1 शो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये अगेन आपके पास मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और अगर आप देखो कि आपके पास जो ऑक्सीजन है इसकी मुख्तलिफ आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। अच्छा, इसी कंसेप्ट को समझने के लिए मैं ये भी तो कह सकता था कि आपका जो फ्लोरीन है वो, अब देखो ये OF2 है ना, तो इसका मतलब है आपका ऑक्सीजन लेट से नेगेटिव 2 और फ्लोरीन प्लस 1 अगर चार्ज शो करे तब भी तो ये बॉन्ड बन जाएगा ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बात कर सकते हो कि फ्लोरीन प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपके पास जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से ये वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने लिखी है ऊपर ये ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगी इनको। अच्छा, हम इसकी मुख्तलिफ देख लेते हैं, ये जो आपस में तीन आपके हैं ना फ्लोराइड से प्रिपेयर कैसे होते हैं। पहली बात तो ये कि जो अगर तो आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन का डायरेक्ट रिएक्शन कराओ ना तो ये रिएक्शन नहीं होता।
ठीक है, इसकी वजह यह है कि आपका जो ऑक्सीजन की है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी ओ बॉन्ड ओ आपके जो डबल बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपके पास है ऑक्सीजन के केस में 497 किलो जाउल्स पर मोल, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस बॉन्ड को एक तो ब्रेक करना मुश्किल होता है डायरेक्टली, ठीक है, और इस वजह से अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन कराओ तो ये नहीं होता। तो इन केस आप क्या करते हो, अगर आपने प्रिपेयर करना हो तो आप इसमें वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी आप बहुत हाई करंट पास कराते हो इसके अंदर से, या एक प्रोसेस ये है कि हाई करंट पास कराओ और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप इसका टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको सडनली कूल करो यूजिंग लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन के थ्रू। तो तब आप ये कर सकते हो कि लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन से आप कर लो। चलो, तो उसके इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब करोगे तो आप एनर्जी इनपुट करोगे और उसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपका O2F2 और O3F2 ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं आपके पास, ये दोनों इसी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करो ऑक्सीजन का और फ्लोरीन गैस का। दूसरा ये है कि आपके पास जो O3F2 है ना, ट्राई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ये आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये आपका अनस्टेबल होता है और ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है O2F2 और साथ में ऑक्सीजन के अंदर। और ये जो आपका O2F2 होता है ये भी आपका अनस्टेबल होता है, ये आपका चेंज हो जाता है OF2 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो आप अगर इसको देखो, ये ऑक्सीजन दोनों रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर ये ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो ना, तो आप बेसिकली इससे ऑक्सीजन का एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज कर सकते हो, ठीक है। आज मैं कहीं आई थिंक इंटरनेट पर देख रहा था कि जो आपके लिक्विड प्रोपेलेंट्स होते हैं ना, फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट्स, प्रोपेलेंट्स प्रोपेल का मतलब होता है, मतलब प्रोपल्शन से ये निकला है, यानी आगे बढ़ना, ठीक है, जहाज का चलना लेट से आप कह लो। तो रॉकेट जब आपका चलता है ना, बेसिकली ये लेट से आपका कोई रॉकेट नुमा चीज है, तो इसमें जो आपके पीछे एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही होती हैं, इसके अंदर फ्यूल होता है जो बर्न हो रहा होता है, तो वो जो फ्यूल है ना उसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन उसके लिए आपको चाहिए होती है ताकि वो फ्यूल बर्न हो सके। तो वो जो ऑक्सीजन है ना, एज मैं पढ़ रहा था कि आप ना ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को भी एज एन ऑक्सीजन फ्यूल यूज कर सकते हो, ठीक है, रॉकेट इंडस्ट्री के अंदर। तो ये एक एरोस्पेस की इसकी एप्लीकेशन है, तो चूंकि इसके अंदर ऑक्सीजन आप रिलीज होता है और ये खुद ब खुद डीकम्पोज हो जाता है इसके अंदर। तो ये आपके पास थे ऑक्साइड्स फ्लोरीन के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्साइड्स किस चीज के, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। हमने देखा था कि क्लोरीन, ये तो क्लोरोन लिख दिया मैंने, क्लोरीन क्लोरीन। अच्छा, आपके जो क्लोरीन है ना, ये आपके एक से ज्यादा ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है, ये इतने ज्यादा करता है कि आप अभी हैरान हो जाओगे। अभी आप देखना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वो चीज कहाँ गई, वो तो गुम गई, हाँ मिल गई, ये देखें आप इसके अंदर। देखें क्लोरीन जो है ना, ये CLO भी बनाता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और इसमें आपके क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2, ठीक है, यानी Cl प्लस 2 एंड O माइनस 2 CLO बन जाता है, ठीक है। क्लोरीन डाइऑक्साइड CLO2, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है, Cl प्लस 4, ठीक है, और O माइनस 2, तो ये Cl2O4 आप कह लो या आप कह लो कि CLO2 बन जाता है। या क्लोरीन ट्राइऑक्साइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, इसके बाद डाइक्लोरीन डाइऑक्साइड CL2O2, डाइक्लोरीन ट्राइऑक्साइड CL2O3, फिर ये एक गंदा सा है इसको छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद है डाइक्लोरीन हेप्जा ऑक्साइड, यानी 6 ऑक्सीजन जो 2, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या 5 होती है, ये आपके पास 7 होती है। इसके बाद डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, ये जो कि आपके कोर्स में है तो हम इसको देखेंगे, और फिर फाइनली क्लोरीन टेट्रा ऑक्साइड या इस टाइप की चीज, इसमें क्लोरीन 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो आप देखो कि क्लोरीन जो है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्लोरीन के एटम में बेसिकली दरमियान में न्यूक्लियस होता है, फिर आपके पास फर्स्ट शेल, फिर सेकेंड शेल एंड देन थर्ड शेल होता है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट शेल में आपके पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 2, 4, 6, 8 और थर्ड शेल में 2, 4, 5 एंड
5, 6 and 1, 7. ठीक है, तो ये 17 पूरे हो गए. ठीक है, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर क्लोरीन की करो तो 1s में 2 होंगे, 2s में 2 और 2p में 6 हो जाएंगे. ठीक है, 2, 4 and 6, 10 हो गए. एंड देन 3s में जाएंगे 2 और 3p में जाएंगे 5. ठीक है, तो क्लोरीन जहां पे प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो इन दो s इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, जहां पे प्लस 5 शो कर रहा है वहां पे इन दो को रिलीज कर रहा है. ठीक है, और ये इंटरमीडिएट वो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल है क्लोरीन की है वो है प्लस 7. और जब प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो क्लोरीन का उस वक्त क्लोरीन प्लस 7 और साथ अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाओ, ठीक है, Cl माइनस ऑक्सीजन नेगेटिव 2 होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, Cl2O7. ठीक है, तो ये Cl2O7 जिसको हम कहते हैं क्लोरीन हेप्टा, हेप्टा का मतलब होता है 7, हेप्टा ऑक्साइड्स. ठीक है, तो ये आपके पास 7 ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्डेड होते हैं, 2 क्लोरीन्स. और मैं इनका कहीं स्ट्रक्चर देख रहा था, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है. आपके पास ये जो है ना क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड स्पेशली, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है. बल्कि इसका स्ट्रक्चर की हम तस्वीर देख लेते हैं ऐसा. अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लोरीन यहाँ पे प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. देखिए 7 का मतलब है ये 7 बॉन्ड्स बना सकता है टोटल, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है. तो देखो ये 3 इस साइड पे बॉन्ड्स बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, 3 इस साइड पे, और दरमियान में एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसने दोनों क्लोरीन को आपस में एक एक बॉन्ड उसके बाद, क्लोरीन सात सात बॉन्ड्स बना रहा है और हर ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड्स बना रहा है. ठीक है, तो इस वजह से क्लोरीन प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन नेगेटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. ये जो आपके पास क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड है ना, ये बेसिकली आपके पास एक समझ लो कि एनहाइड्राइड है. एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, यानी हाइड्रा वाटर से निकला है, एनहाइड्र यानी वाटर का कम, वाटर का रिमूव कर देना किसी चीज के अंदर से. आपके पास एक होता है Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड O एंड H. ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये जो है ये होता है आपका परक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो ये परक्लोरिक एसिड का एक सॉल्ट है जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, ये क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड. ये सॉल्ट तो नहीं कहेंगे हम इसको, एनहाइड्राइड कहेंगे ये इसका, यानी इसके अंदर से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इसको हमने रिमूव किया हुआ है और साथ में एक और इसी तरह का रिमूव लगा दिया. ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली एनहाइड्राइड है परक्लोरिक एसिड का. आपके पास परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी एल ओ फोर. सी एल ओ फोर हम कहते हैं परक्लोरेट कहलाता है. ठीक है, Cl4-1 होता है परक्लोरेट. ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास Cl3-1 होता है क्लोरेट. ठीक है, और आपके पास होता है Cl-1. अब देखो Cl-1 के अंदर लेट से मेरा आपसे क्वेश्चन हो कि ऑक्सीजन का चार्ज क्या है और क्लोरीन का क्या चार्ज है. ऑक्सीजन तो चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्लोरीन क्या शो कर रहा है. अब देखो अगर क्लोरीन की क्या चार्ज हो के आंसर आपका -1 आ जाए, क्लोरीन यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. ये +1 -2 आपके पास जो नेट चार्ज बन रहा है वो -1 बन रहा है. ठीक है, तो आपकी क्लोरीन का चार्ज यहाँ पे +1 है. तो सबसे लोएस्ट चार्ज होता है ये आपके पास जब Cl-1 जिसको हम कहते हैं हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट. ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में देखेंगे हाइपोक्लोराइट क्या होता है. तो वैसे क्लोरीन के जो जितने भी ऑक्साइड्स हैं हम इनको डिस्कस करें, अभी प्रिपरेशन हम लोगों ने नहीं देखी. ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट तो इनका रिएक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता बिकॉज आपके ऑक्सीजन के हम देख चुके हैं कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है. ठीक है, और साथ में ये भी है कि आपके जब ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनता है तो वो इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता कि आपकी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सके. तो इस वजह से आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता. तो आप ये क्या करते हो कि आपके जो क्लोरेट है ना, जितने भी अभी आपने क्लोरेट देखा है +1 -1, अभी देखो इसमें क्लोरीन का चार्ज क्या होता है क्लोरेट के अंदर, Cl3-1 के अंदर क्लोरीन का चार्ज क्या होता है. क्लोरीन का चार्ज इसमें अगर हम 7 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन का -6, तो 7-6+1, यहाँ पे 5 होता है बेसिकली +5. ठीक है, तो +5 और 3 ऑक्सीजन का -6, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा +5-6-1. तो ये आपका क्लोरीन यहाँ पे 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. और आप देखो कि Cl2 जो था, यानी जो डाई क्लोरीन डाइऑक्साइड था, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसमें +5 है. तो बेसिकली अगर आप क्लोरेट आयन को रिड्यूस कर दो, यानी रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यानी क्लोरेट आयन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो ना अगर, तो आपके पास Cl2 बन जाता है. अब इलेक्ट्रॉन वो कहां से आएगा, आप वो इलेक्ट्रॉन या तो
सल्फ्यूरिक एसिड बीच में डाल दो, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये आपके पास एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। साथ में आपके सल्फ्यूरिक एसिड ये भी है कि ये ऑक्सीडेशन के अलावा आपके रिडक्शन भी करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हो ना, इसको तो बहुत विगरस रिएक्शन होता है, इसमें प्रोटॉन्स जनरेट करता है सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये 4+ आइंस जनरेट करता है, और ये जो एच प्लस आइंस है ये आपके इसको अटैक करते हैं, और बेसिकली आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनमें से एक आपके पास सिंपल CLO2 होता है, एक आपके पास वाटर जनरेट होता है, और साथ आपके डिपेंड करता है कि साथ आप थर्ड पार्टी बीच दरमियान में क्या एलिमेंट यूज़ करो। फॉर एग्जांपल हम अमूमन सॉल्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लेट से, या आप सॉल्ट्स के अलावा सोडियम क्लोराइड के अलावा आप यूज़ करते हो ऑक्जैलिक एसिड भी यूज़ करते हो, H2C2O4, ऑक्जैलिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन चूंकि चार बॉन्ड्स बनाता है, तो ये इस वजह से आपके पास ये ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो है ये आपका चेंज हो जाएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है, और साथ में आपके जो बाकी चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो आपके बुक के जो रिएक्शन है वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपका क्लोरीन डाइऑक्साइड बन जाता है। अगर आप क्लोराइड आइन की बात करो तो क्लोराइड आइन जो है वो Cl2 और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली ये फिर क्लोरेट रेडिकल के साथ मिलकर आपका ये क्लोरीन डाइऑक्साइड बना देते हैं। ये ऊपर वाला रिएक्शन भी आपका क्लियर हो गया और नीचे वाला भी। तो ये थे आपके क्लोरीन के मुख्तलिफ ऑक्साइड्स, ठीक है। अब हम अपने फाइनल टॉपिक को खत्म करने से पहले हम देख लेते हैं ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ब्रोमीन के ऑक्साइड्स। आपके ब्रोमीन के जो जनरल ऑक्साइड्स होते हैं उसमें आपके पास एक होता है ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा आपके पास होता है ब्रोमीन डाइऑक्साइड, और फिर आपके पास होता है ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो आपने जो आपके कोर्स में शामिल हैं वो आपके पास ब्रोमीन डाइऑक्साइड नहीं है बल्कि आपके डायब्रोमीन ऑक्साइड है आपके पास, आपके लिए ब्रोमीन ऑक्साइड सिंपल ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। तो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड पहले तो हम देखते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे होता है। ये सिंपली आप अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओ ना, तो ये ब्रोमीन जो है आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? ब्रोमीन जो है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट आप कह सकते हो, बिकॉज आपने देखा था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन था, और अगर आप इस साइड से शुरू करो आयोडीन से तो आयोडीन के बाद ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो ब्रोमीन यहाँ पे क्या करेगा कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, ठीक है, और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बेसिकली ये ब्रोमाइड आइंस बनाएगा, ठीक है, और दो ब्रोमाइड आइंस बनाएगा और साथ में क्या करेगा कि सॉरी ये आपका जो नेगेटिव आपका चार्ज आता है ना, कभी भी जब किसी आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से आता है, तो ये बेसिकली ब्रोमीन दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और आपका ये ब्रोमाइड आइंस बना देगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो आपका रिएक्शन है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और साथ में आपके पास अब एक तरह से आप कह लो HgBr या मर्क्यूरिक ब्रोमाइड बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी का चार्ज +2 होता है, और आपके पास Br2O बन रहे ब्रोमीन एंड डायब्रोमीन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन का चार्ज क्या है, 0, यहाँ पे ब्रोमीन का चार्ज क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन का चार्ज है -1 और मर्करी का +2, तो HgBr2, तो यहाँ पे -1 ब्रोमीन का चार्ज हो गया, और यहाँ पे ब्रोमीन का चार्ज क्या, ऑक्सीजन क्या होता है -2, यहाँ पे ब्रोमीन +1, 1 इधर नीचे और 2 इधर नीचे आया हुआ है, ब्रोमीन यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर, तो ब्रोमीन बेसिकली एक ब्रोमाइड जो है ये एक ब्रोमीन ब्रोमाइड में चेंज हो गया -1 में और एक +1 में। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं ना जिसके अंदर कोई एक ही एलिमेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ब्रोमाइड जो है ये आपका Br+ और Br- में चेंज हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके हम डिटेल्स देखेंगे। तो ये था आपका सिंपल ब्रोमीन का ऑक्साइड। इसके बाद फाइनली हम देख लेते हैं आयोडीन। आयोडीन का जो सबसे मेजर ऑक्साइड है ना आपके पास वो है आयोडीन पेंटाऑक्साइड, जिसको फॉर्मूला है I2O5। और आयोडीन पेंटाऑक्साइड जो है ना इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है कि आप बेसिकली आयोडिक एसिड, एक तो था ना हाइड्रो आयोडिक एसिड जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जो HI था,
यहाँ हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये हम आयोडिक सिंपल आयोडिक एसिड जो HIO3 होता है, ठीक है, जिसमें IO3 माइनस वन ये आयोडेटाइन होता है, तो आयोडिक एसिड है आपके पास, और आयोडिक एसिड जो है इसको आप टेम्परेचर अगर ज्यादा कर दो तो ये बेसिकली आपके पास I2O5 और साथ में वाटर के अंदर डीकम्पोज, तो यहाँ पे आपके पास आयोडीन का पेंटाऑक्साइड ये प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से आप इन्हीं दो को एज अ रिएक्टेंट्स रखो तो ये दोनों रिएक्ट करके आपके पास एट नॉर्मल टेम्परेचर ये इसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसके मुख्तलिफ और रिएक्शंस देखना चाहते हो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप आयोडीन पेंटाऑक्साइड को रिएक्ट कराओ तो आयोडीन पेंटाऑक्साइड में आयोडीन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +5, ठीक है, क्योंकि आयोडीन अगर +5 शो करे और ऑक्सीजन -2 करे तो I2O5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये I2O5 आपके पास इस तरीके से बन जाता है, और I2O5 के अंदर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि बहुत ज्यादा है, अब ये कोशिश करेगा आयोडीन के मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी कैसे कम करेगा, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और खुद ये आयोडीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जितने भी थे ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, ठीक है। अब हम एक समरी देख लेते हैं कि जितने आपके ऑक्साइड्स अभी तक आपने पढ़े हैं, और लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोग क्या पढ़ रहे थे, हैलाइड्स, ठीक है, कह लो हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी बेसिकली वो हाइड्राइड्स थे, हैलोजेंस के हाइड्राइड्स, और आज के लेक्चर में हमने हैलोजेंस के ऑक्साइड्स पढ़े हैं। सबसे पहला मेजर डिफरेंस तो इनकी प्रिपरेशन में था, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम उनको प्रिपेयर करने के लिए क्या करते थे, हाइड्राइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन करा देते थे, फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को रिएक्शन करो तो ये खुद ब खुद विगरस रिएक्शन होगा और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक हाइड्राइड है, या आप कह लो हैलोजन हाइड्राइड बन गया, या हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। पहला डिफरेंस तो आपका मैन्युफैक्चर करने का, प्रिपरेशन का है, आपके जो ऑक्साइड्स हैं ये बहुत ही अजीबोगरीब से तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं और ये डायरेक्ट आपके रिएक्शंस नहीं होते अगर आप ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओ हैलोजन के साथ। सेकेंड इनका जो मेजर डिफरेंस है वो है आपके अंदर के ये जो HF और HBr और HI वगैरह थे ये आपके पास क्या थे, ये अच्छे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स थे, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो आज के लेक्चर में आपने देखे हैं मोस्टली आपके पास जो आयोडीन के कंपाउंड, फॉर एग्जांपल I2I5 की बात करो आप, Cl2O7 की बात करो आप, या आप Clo2 वगैरह की बात करो, जितने भी ऑक्साइड्स थे ना इसमें आपकी जो आपका हैलोजन होता था उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी वो पॉजिटिव होती थी, तो ये आपके पास अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं है, ये आपके पास अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, वो आपके पास अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स थे, ठीक है। इसके बाद तीसरा मेजर डिफरेंस जो है वो इनकी स्टेबिलिटी का है, जो आपके HF, HBr वगैरह थे ना ये आपके स्टेबल कंपाउंड्स होते थे, यानी एट रूम टेम्परेचर ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये जो आपके आज ऑक्साइड्स आपने पढ़े हैं ना ये काफी अनस्टेबल होते हैं, यानी ये इवन अगर आप कोई भी ऑक्साइड लो वो खुद ब खुद बेसिकली चेंज हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर और वो इस तरह स्टेबल नहीं रहता। और फाइनली जो आपका डिफरेंस है वो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का है, कि आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना हैलोजेंस की वो एक से ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन आपका 1, 2, 7, 5 मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, जबकि आपने लास्ट टाइम देखा था जब HCl वगैरह लेट से बनता है तो इसमें क्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी हाइड्राइड्स के केस में, जबकि ऑक्साइड्स के केस में ऑलमोस्ट जितनी भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो सबकी सब होती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर ऑक्साइड्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन काफी लंबा लफ्ज है ना ये, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है, हम लोग ये रिएक्शंस पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनकी हम मुख्तलिफ हैलोजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को।